Hello, dear kids. How are you, beta? I hope you all are doing good at your homes. So, dear kids, as you know, in last video, we had started your unit 2 from your reader section, English reader book, unit 2, books. Okay? So, you know very well the importance of books for us. Why are books important for us? Okay, we did some exercises also in the previous video. Today, there's a poem by Welda Blumhagen. She has written this poem, and this is all about the importance of books. Adventures with Books. The title of the poem, Adventures with Books. Books are ships that sail the seas to lands of snow or jungle trees, and I am the captain, bold and free, who will decide which place we'll see. Come, let us sail the magic ship. Here in this stanza, the poet has compared books to a ship. ठीक है, इस स्टेंजा में पोइट ने बुक्स को कंपेयर किया है एक शिप के साथ. जैसे एक शिप जो है बहुत सारी जगह पे घूमता है, ठीक है, कई आइलैंड्स में को हम लोग शिप से देखते हैं, ठीक है, कई कंट्रीज़ की हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है, कई कंट्रीज़ को जा सकते हैं. तो इस तरह से कहता कि बुक्स जो हैं एक शिप की तरह हैं. जो बुक्स हैं दे आर शिप्स, वो शिप्स की तरह हैं दैट सेल द सीज, जो कि पानी में, जो समंदर में, सीज में चलती हैं. जैसे शिप जो है वो समंदर में चलता है. टू लैंड ऑफ स्नो और जंगल ट्रीज, और ये शिप जो हैं जैसे कई स्नोई एरियाज़ जहाँ पे कि बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी रहती है वहाँ भी जाते हैं, जहाँ पे जंगल्स देखते हैं वहाँ तक भी जाते हैं, ठीक है. एंड आई एम द कैप्टन, और इस शिप का मैं कैप्टन हूँ. बोल्ड एंड फ्री, मैं बहुत ही बोल्ड हूँ, साहसी हूँ और फ्री हूँ मैं. हु विल डिसाइड विच प्लेस वी विल सी, जो ये डिसाइड करेगा. मैं कैप्टन हूँ, मतलब मैं रीडर को कैप्टन कहा गया है. जो बुक को रीड करता है वो कैप्टन है. वो जो बुक है आपके हाथ में वो तो एक शिप की तरह है, ठीक है, वो शिप की तरह है, लेकिन वो जो शिप को चलाने वाला है, मतलब बुक को पढ़ने वाला है, मतलब वो रीडर जो है वो कौन है, वो उसका कैप्टन है. और वो बुक्स किस किस के बारे में, बुक्स से हमें कई स्नो एरियाज़, जो स्नोवी एरियाज़ हैं जहाँ पे कि बर्फ़ भी बर्फ़ रहती है, उसके बारे में पता चलता है, जंगल्स के बारे में, ट्रीज़ के बारे में. और कहता कि मैं रीडर जो हूँ, मैं कैप्टन हूँ, मैं बोल्ड हूँ, मैं फ्री हूँ, मैं बहुत ही हिम्मत वाला हूँ, मैं फ्री हूँ. हु विल डिसाइड विच प्लेस वी विल सी, मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे कौन सी बुक पढ़नी है, मुझे कहाँ पर कौन सा पेज पढ़ना है, मैं डिसाइड करूँगा. जैसे एक कैप्टन है वो डिसाइड करता है कि उसको कैसे रास्ता, किस रास्ते चलना है. एक शिप का कैप्टन डिसाइड करता है कि उसको शिप कैसे, कहाँ से कैसे टर्न करना है, कौन से डायरेक्शन में जाना है. वैसे ही एक बुक को पढ़ने वाला रीडर डिसाइड करेगा कि उसको कौन सा पेज, कौन सी बुक पढ़नी है. कम, वो हम लोगों को कहता है कि आओ, लेट अस सेल द मैजिक शिप, आओ हम इस जादू भरे इस शिप में. ये जो जादुई दुनिया है, मैजिकल जो वर्ल्ड है बुक्स का, उसमें हम लोग तैरें, उसमें हम लोग चलें. ऑथर पोइट हमें कहता है कि वो बुक्स की जो मैजिकल वर्ल्ड है बुक्स का, आओ हम उसमें चलें. नेक्स्ट स्टेंजा इज द बुक्स आर ट्रेन्स इन मैनी लैंड्स. कहता कि बुक्स जो हैं वो ट्रेन्स की तरह होती हैं. इन मैनी लैंड्स, क्रॉसिंग हिल्स और डिजर्ट सैंड्स. जिस तरह से ट्रेन्स कई तरह की जो लैंड्स हैं, धरती है, चाहे कई पहाड़ियाँ, कई डेजर्ट्स हैं, रेगिस्तान इलाके हैं,
ठीक है, वहाँ से गुजरती है। ठीक वैसे ही हमें बुक्स से भी कई तरह की लैंड्स का पता चलता है, चाहे वो पहाड़ियाँ हैं, चाहे वो डेजर्ट्स हैं, उनके बारे में पता चलता है। एंड आई एम द इंजीनियर हु गाइड्स द ट्रेन ऑन इट्स एक्साइटिंग राइड्स। और जिस तरह से वो ट्रेन को चलाने वाला जो इंजीनियर होता है उसका पायलट होता है, ठीक है, तो ठीक वैसे ही मैं वो जो रीडर हूँ, मैं इस बुक जो कि एक ट्रेन की तरह कंपेयर किया हुआ है उसका इंजीनियर हूँ, जो मैं गाइड करता हूँ, मैं ट्रेन को, मैं इस बुक को गाइड करता हूँ ऑन इट्स एक्साइटिंग राइड्स, कम लेट अस राइड द मैजिक ट्रेन। तो कहता कि जैसे मैं ट्रेन को वो जो इंजीनियर है वो कंट्रोल में रखता है, वैसे ही मैं भी इस बुक का जो रीडर, मैं भी एक इंजीनियर की तरह हूँ जो कि इस बुक रूपी ट्रेन को मैं कंट्रोल करता हूँ। मैं इसके साथ में जाता हूँ एक्साइटिंग राइड्स पे, जो एक्साइटमेंट से भरी हुई राइड्स हैं, थ्रिलिंग जो राइड्स होती हैं। जब मैं बुक्स पढ़ता हूँ, कई आपको थ्रिलर मिल जाएंगे, एक्साइटमेंट से भरी हुई बुक्स मिल जाएंगी। तो कहता कि मैं रीडर जो हूँ, मैं एक इंजीनियर की तरह हूँ इसके लिए। कम आओ लेट अस राइड द मैजिक ट्रेन, आओ हम इस मैजिक ट्रेन में सफ़र करते हैं। और ये ट्रेन, ये जो बुक की बात कर रहा है, ये जो ट्रेन है ये हमें अलग अलग जगहों तक लेके जाएगी, चाहे वो लैंड्स, कोई भी लैंड हो, पहाड़ियाँ हैं, चाहे वो डेजर्ट्स हैं, कहीं पे भी लेके जाएगी। थर्ड स्टेंजा इज देयर, बुक्स आर जूज दैट मेक अ होम फॉर बर्ड्स एंड बीस्ट नॉट फ्री टू रोम, एंड आई एम द कीपर ऑफ द जू, आई चूज द थिंग्स टू शो टू यू, कम लेट अस विजिट इन अ जू। इन थर्ड स्टैंजा द पोइट सेज कि बुक्स जो हैं वो जूज की तरह होती हैं, चिड़ियाघरों की तरह होती हैं, दैट मेक ए होम, जो कि एक घर बनाते, जैसे एक चिड़ियाघर जो है वो घर होता है बर्ड्स और अलग अलग बीस्ट का, जानवरों का, नॉट फ्री टू रोम, लेकिन वो वहाँ पे फ्री नहीं होते हैं। रोम मीन्स वंडर, इधर उधर घूमने के लिए फ्री नहीं होते हैं वो, नो वो वहीं पे रहते हैं जहाँ पे उनको छोड़ा जाता है, वो वहीं पे रहते हैं। तो कहता कि ये जो बुक्स हैं वो भी जूज की तरह होती हैं, क्योंकि इसमें हमें कई तरह के बर्ड्स, एनिमल्स की स्टोरीज जो हैं वो पढ़ने को मिलती हैं। आई एम द कीपर ऑफ द जू, और अब रीडर को कहता है, ऑथर रीडर को कहता है, रीडर को कीपर, जिस तरह से वो कीपर जो है जू का, कीपर मतलब वहाँ पे जो पर्सन है जो कि उसका टेक केयर करता है, केयर टेकर जो है, जिस तरह से वो जू का ध्यान रखता है, ठीक वैसे ही आई चूज़ द थिंग्स टू शो टू यू, जिस तरह से वो केयर टेकर ध्यान रखता है कि कौन कौन सी चीज़ें लोगों को दिखानी है, कौन से एनिमल्स के पास नहीं जाना होता, ठीक है, अगर आप जू गए हैं तो आपको ज़्यादा पता होगा, ठीक है, जब आप जाते हैं चिड़ियाघर में, कौन से एनिमल्स को नहीं देखना या कौन से एनिमल्स को पास से नहीं देखना, किन किन एनिमल्स को दिखाते हैं, ठीक है। तो कहता कि मैं कीपर की तरह हूँ, आई चूज़ द थिंग्स टू शो टू यू, मैं चीज़ों को सिलेक्ट करता हूँ जो मुझे आपको दिखानी है, मैं उन चीज़ों को सिलेक्ट करता हूँ। कम लेट अस विजिट इन अ जू, आओ हम इस जू में ट्रैवल करते हैं, इसमें विजिट करते हैं हम लोग, ये जो बुक्स का जो जू है इसमें ट्रैवल करते हैं, क्योंकि हमें बुक्स में भी बहुत सारे एनिमल्स की, बर्ड्स की, बीस्ट की स्टोरीज मिलती हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। तो तभी ये रीडर्स को कहता है कि आओ हम लोग इन बुक्स में बहुत सारी जो स्टोरीज हैं इन एनिमल्स के बारे में उनको पढ़ें, इस जू में विजिट करें। फोर्थ स्टैंजा, बुक्स आर गार्डन्स, फेरीज, एल्व्स, कॉबॉयज and people like ourselves, and I can find with one good look just what I want inside a book, come let us read for reading's fun। अब जिस तरह से बुक्स में अलग अलग तरह की कहानियाँ होती हैं, परियों की कहानियाँ, बाग बगीचे, जादू की कहानियाँ, एडवेंचर्स, या फिर हमारे जैसे लोगों की कहानियाँ होती हैं, ठीक है। तो कहता कि बुक्स आर गार्डन्स, बुक्स जो हैं वो बगीचों की तरह होते हैं, फेरीज परियों की, एल्व्स भी वही जादू मैजिक करने वाले, कॉबॉयज
जो एडवेंचर पसंद हो करते हैं, एंड पीपल लाइक अवर सेल्फ, और हमारी तरह के लोगों से भरी पड़ी है, हमारी ही तरह के लोग होते हैं। लोग क्या करते हैं, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं। ऑटोबायोग्राफी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है, द स्टोरी विच इज़ रिटन बाय द लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन विच इज़ रिटन बाय द सेम पर्सन ओनली, ठीक है, दैट इज़ ऑटोबायोग्राफी। तो कहता है कि बुक्स जो हैं वो गार्डन्स हैं, परियों की कहानियों की तरह, परियां हैं वो जादू से भरी, मैजिक से भरी हुई, एडवेंचर से भरी हुई हैं, और उसमें हम लोगों को जो हमारी तरह लोग हैं उनको ढूंढ सकते हैं, वो ही मिलेंगे हमें वहाँ पे। आई कैन फाइंड विद वन गुड लुक, और आई पोइट कहता है रीडर को कि रीडर जो है, एक अच्छा रीडर जो है वो एक ही नज़र से पहचान सकता है एक अच्छी बुक को। जस्ट वट आई वॉन्ट इन साइड अ बुक, मुझे क्या चाहिए एक बुक में से, क्या चाहिए मुझे, कौन सी बुक पढ़नी है, वो रीडर एक ही नज़र से पहचान लेता है बुक को। पोइट आगे कहता है कम आओ लेट अस रीड, हम पढ़ते हैं फॉर रीडिंग्स फन, पढ़ने का इंजॉय करने के लिए, इन बुक्स को हम पढ़ते हैं इंजॉय करने के लिए। आई होप दिस पोम इज़ क्लियर टू यू, ओके, थैंक यू सो मच बेटा।